नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल मंगावा मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है, हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 में यूनिट नंबर 1 वैदिक गणित, और पिछले 3 वीडियो में हमने वैदिक गणित के लगभग टॉपिक देख लिए। एक अंतिम टॉपिक बचा है, सूत्र प्रावर्ती द्वारा भाग याद करना। सूत्र प्रावर्ती द्वारा भाग याद करना। प्रश्न संख्या आपके बुक के 16 दे रखा है, 1154 भाग 1154 भाग 103। दोस्तों अब इसको हल करने के लिए निकलम की तरह ही होता है, इसमें भी तीन ही कॉलम बनते हैं। तो सबसे पहले इसका क्या लिया जाता है, आधार लिया जाता है। तो दोस्तों जिस संख्या का भाग दिया जाता है उस संख्या को देखकर आधार लिया जाता है। तो ये संख्या मेरे को 100 के नजदीक लग रही है, 103 किसके नजदीक है, 100 के। तो आधार क्या लेंगे हम, आधार क्या लिया जाएगा यहाँ पर, बोलो दोस्तों, 100। आधार क्या आएगा, 100। ऐसे ही इसमें फिर हमने क्या लिखा था, विचलन। निकलम विधि में हमने पढ़ा था विचलन। बोलो दोस्तों विचलन कितना है, बोलो, प्लस के 0.3। 0 क्यों लगाया आगे, क्योंकि दो अंक हैं आधार में, दो शून्य हैं, तो यहां भी दो अंक लिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बनाओ तीन कॉलम, एक दो और तीसरा कॉलम। सबसे पहले यहां पर क्या लिखी जाएगी, संख्या जिसका भाग दे रहे हैं क्या है, 103। फिर क्या लिखा जाएगा दोस्तों, विचलन। विचलन क्या होगा दोस्तों, प्लस के 0.3। फिर नीचे क्या आएगा, प्रावर्ते अंक आएगा दोस्तों। क्या जाएगा, प्रावर्ते अंक, यानी कि जो संख्या दे रखी है, विचलन दे रखा है, उसके चिन्ह चेंज करके लिखे जाएंगे, तो माइनस के 0.3। ठीक है दोस्तों, अब बोलो ये जो संख्या दे रखी है इसमें आधार में जितने शून्य हैं उतने अंक बाहर की तरफ, बाकी अंदर की तरफ रखे जाएंगे। तो दो अंक है आधार में, तो दो दो शून्य है, तो दो अंक बाहर की तरफ, यानी कि 54 बाहर चले गए, एक और एक 11 अंदर आ गए। सबसे पहला निकलम ने काम किया था हमने क्या दोस्तों, पहला अंक एज इट इज ऐसे के ऐसे उतारना है, तो एक नीचे ऊपर से सीधा नीचे आ जाएगा, तो ये आ गया भागफल कॉलम में। ठीक है दोस्तों, अब इस एक को प्रावर्ते अंक से गुणा करना है, तो एक को माइनस के 0.3 से गुणा किया, तो 0 और ये 3, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। ठीक है दोस्तों, अब आगे एक में से 0 कम करेंगे तो वही आ जाएगा एक, ये प्रक्रिया। फिर एक को किससे गुणा करना है, प्रावर्ते अंक से गुणा करना है दोस्तों। प्रावर्ते अंक से हम फिर से इसको गुणा करेंगे, तो 0 से करेंगे तो 0 और 3 को 1 से करेंगे तो 3, ये भी दोनों किसके हो जाएंगे, माइनस के। ठीक है दोस्तों, अब घटाओ, 3 4 में से 3 कम करेंगे तो क्या जाएगा, 1, और 5 में से 3 कम करेंगे तो क्या जाएगा दोस्तों, 2। तो इस संख्या, इस सवाल में भागफल क्या होगा दोस्तों, भागफल हो जाएगा 11, और शेषफल क्या आ जाएगा दोस्तों, 21। मैं उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आया होगा दोस्तों। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में उतार सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने पिछले प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे की तरफ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 18, 1432 भाग 88। देखो दोस्तों वो 100 से ऊपर था, ये 100 से अब नीचे वाला एक और देखते हैं। तो देखो इसमें भी आधार क्या है, दो अंक वाली संख्या है, 100 के नजदीक है, तो आधार क्या आ जाएगा, बोलो दोस्तों, 100। फिर क्या लिखते हैं, विचलन क्या होगा दोस्तों, विचलन 100 से कितना कम है, ये माइनस के 12। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों वही तीन कॉलम बनाते हैं। बोलो दोस्तों तीन कॉलम में पहले यहां क्या लिखा जाएगा, संख्या जिससे भाग देना है, कितनी किससे देना है, भाग 88 से। फिर क्या लिखा जाएगा दोस्तों, विचलन। फिर क्या लिखा जाएगा, विचलन क्या आएगा, विचलन दोस्तों माइनस के 12। फिर क्या लिखेंगे, प्रावर्ते अंक। फिर क्या लिखेंगे दोस्तों, प्रावर्ते अंक। देखिए दोस्तों ये माइनस के 12 है, तो प्रावर्ते अंक किसके हो जाएंगे, प्लस के 12। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आधार में जितने अंक हैं, जितनी शून्य है उतने अंक बाहर की तरफ जाएंगे, तो 32 तो बाहर चले जाएंगे, क्या बचेगा, 14। ठीक है दोस्तों, लिखते हैं सबसे पहले भागफल कॉलम आता है, इसमें पहला अंक एज इट इज आ जाएगा दोस्तों। मैंने बताया पहला कॉलम क्या आएगा, अंक एज इट इज, यानी कि एक ऐसे के ऐसे आ जाएगा। फिर एक को इस प्रावर्ती अंक से गुणा करना है, तो एक को 12 से गुणा करेंगे, तो एक और ये 2।
ठीक है दोस्तों। फिर क्या करते हैं, ऐड करेंगे, इस बार प्लस के हैं दोनों संख्या, तो ऐड करेंगे तो चार और एक क्या हो जाएगा दोस्तों, पांच। क्या हो जाएगा, पांच। फिर से पांच को किससे गुणा करेंगे, इस प्लस के 12 से, तो कितने होते हैं 12 5 7, ये प्लस का और ये प्लस का दोस्तों। दोस्तों ये प्रक्रिया तब तक निभानी है हमें जब तक अंतिम अंक के नीचे क्या नहीं आ जाए, अंक आ जाए, ठीक है दोस्तों। अब जोड़ करो, 0 और 2 क्या हो जाएंगे, 2 6 और 2 8, 8 और 3 कितने हो जाएंगे, 11। यानी कि 15 भागफल और 112 शेषफल, 15 भागफल और 112 शेषफल। लेकिन दोस्तों यहां पर शेषफल क्या है बोलो दोस्तों, इस जिस संख्या का भाग दे रहे हैं उससे क्या है, बड़ा है। तो एक बार और कम कर लो, तो यहां से मैं -88 कम कर लेता हूं शेषफल में से, और यहां पर एक जोड़ देता हूं, तो 15 और 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, 16। ये 88 कम करो इसमें से, तो 12 और 12 में से 8 कम किए 4, यहां क्या बचे 10, 10 में से 8 कम किए 2। तो दोस्तों भागफल क्या आएगा, भागफल आ जाएगा 16 और शेषफल क्या आ जाएगा, 24। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जरूर समझ में आया होगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस क्वेश्चन के। और इसके साथ ही आपकी वैदिक गणित फर्स्ट यूनिट दे रखा था, वो वैदिक गणित का कंप्लीट हो गया है। यानी कि हमने पढ़ा सूत्र निखिलम से भाग याद करना, फिर पढ़ा वैदिक विधि से वर्ग याद करना, फिर वैदिक विधि से गण याद करना, फिर द्वयजांग विधि से भाग करना, और सूत्र प्रावर्त्य द्वारा क्या करना, भाग याद करना। ठीक है दोस्तों, मात्र 10-10 मिनट के 4 वीडियो में आपकी वैदिक गणित कंप्लीट। दोस्तों इतना आसान ट्रिक से आपको बताया है, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जरूर समझ में आया होगा ये। आगे अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की प्रश्नावली नंबर 2 पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। बस आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। दोस्तों मेरी यही पूंजी है, केवल आपको क्या करना है, सब दोस्तों को अपने केवल और केवल एक ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करना है, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।